गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम करेंगे हीरोज फार्मूला एक्सरसाइज 12.1। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव लर्न अबाउट हीरोज फार्मूला, हाउ कैन वी अप्लाई हीरोज फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट एस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी? Side of a triangle, sides, all sides of a triangle divided by 2, that is the value of S. Okay? Then with the help of value of S, we find the area of triangle. And area of triangle is equals to under root S, S minus A, S minus B and S minus C. So, this formula, we have last class mein discuss kiya tha. Dekho, area of triangle is under root S, S minus A, S minus B and S minus C, where S is A plus B plus C plus 2, where S is this. Okay, so that was the formula, and on the basis of this formula we will do first exercise today. So exercise 12.1, question number 1 we have done or not? No ma'am. No ma'am. No? Okay. So student, listen carefully. ये चैप्टर है ना बहुत इजी है और इसमें कुछ भी ऐसा ट्रिकी ऐसा नहीं है। तो ये चैप्टर को तीन क्लास चाहिए, इससे नॉर्मली थ्री क्लास में हम इसको कवर करेंगे, थोड़ा फास्ट हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। तो ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड है किस तरीके से, ऐसे बोर्ड है ट्रैफिक सिग्नल का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, ये स्कूल है। अपनी स्पीड स्लो रखिए, आगे स्कूल है। ठीक है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए ए है, ये भी ए है, ऑल साइड्स आर ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोज फार्मूला इफ इट्स पैरामीटर्स इज 180 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? ओके, सो वी हैव गिवन द एरिया। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज एरिया into 30. So clearly, you can see 30 into 30. Again, so
ये 30 का एक पेयर मिल रहा है आपको, तो दैट मींस ये जो 30 है अंडर रूट से बाहर जा रहा है 30। अब आ जाओ 90 मैम। यस मैम, इसमें बी और सी की वैल्यू भी 60 है ना बेटा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके मैम, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड्स आर इक्वल मीन ऑफ दैट। ओके सो 90 30 30 पेयर था, तो इसको मैं अंडर रूट से बाहर निकाल। अब आप देखेंगे मुझे 90 into 30 से हमारे पास क्या किसी का स्क्वायर है, ओनली 9। सिर्फ 9 जो है स्क्वायर है, इसका स्क्वायर क्या 3 का। तो ये 9 को अगर मैं बाहर निकालूं तो मेरे पास ओनली 3 बाहर आएगा, ये जो 0 है ये बाहर नहीं आएगा क्योंकि 9 किसी का स्क्वायर नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन में लिख लूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं 30 into 10 into 9। मैंने 10 को 9 से अलग कर लिया, क्यों अलग किया, क्योंकि 9 को बाहर ले जाना। तो मेरे पास होगा 390 बाहर आ जाएगा, तो 30 into 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 प्लस ये 9 जो है इसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 पावर पे मल्टीप्लाई ऑफ 90 और अंदर क्या बचेगा अपने पास अंडर रूट 30। तो 90 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी योर आंसर। इतना ही छोड़ सकते हो मैम। यस मैम, इसका पूरा आंसर √243 आ रहा है। अंडर रूट 243 मैम, 900 रूट आ रहा है। 2430000 क्या बोलो फिर से बोलना मैम, इसका आंसर 2430000 आ रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता हम अगर इसे 19 into 30 into 30 into 30 कर दिए तो। हाँ तो मल्टीप्लाई किया होगा ना उन्होंने, आप चाहो तो अंदर से बाहर निकाल दो और आप चाहो तो वैसे ही छोड़ दो मल्टीप्लाई करके। ओके मैम, so please you can note it down fast। मैम मेरा 900 फिर √3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आ रहा है? बिकॉज़ बेटा कि हमने यहाँ पे देखो 300 को 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये 300 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 20 है, दैट मींस ये 100 है, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो आप 10 बाहर ले सकते हैं। अगर आप 10 को बाहर ले जाएंगे तो आपके पास 900 अंडर रूट किया जाएगा, इसलिए आपका 900 अंडर रूट किया जाएगा। अंडर रूट, यस मैम। तो ये मिस्टेक कर दी थी आपको, मतलब बहुत ध्यान दिया था आपके पास एक फॉर्मूला और है इसका बेटा, √3/√3/2 a स्क्वायर ऐसा कुछ होता है। सी स्टूडेंट एक फॉर्मूला और होता है आपके पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये फाइंड आउट करने का, दैट इज अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। ये आप साइड में नोट कर सकते हो, ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होता है, अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। सो इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या करना था, यहां पे 60 का स्क्वायर करना था और आपसे सॉल्व करने तो आपका सेम आंसर आता। आप विश्वास करिए मुझे, तो अंडर रूट 3/4 60 का स्क्वायर करने के लिए 600 जाएगा 4 टाइम्स, सॉरी 9 टाइम्स, सो 900 √3, देखो सिंपली
मैम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एग्जाम में? नहीं बेटा नहीं, आप कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस चैप्टर इज हीरोज फॉर्मूला, सो वी विल यूज ओनली हीरोज फॉर्मूला। ओके ओके मैम। बट अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं पे आता ना, तो आप वहां पे 1/2 हाइट इनटू बेस को फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट इक्वेलिटी के केस में आपको हीरोज फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो इरेज कर दो बच्चे, अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। ओके लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फ्लाईओवर सब नाम हुआ है कुछ इस तरीके का, देखो इस टाइप का एक फ्लाईओवर आपके पास है। दिस इज द फ्लाईओवर एंड ऑल साइड्स आर गिवन, द साइड्स ऑफ द वॉल्स ऑफ इस एरिया की बात कर रहे हैं, इस फोटो में इस स्टैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है? इसे फेक साइड को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं इस साइड को। सो द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 सेंटीमीटर, सो दिस इज 22 मीटर एंड दिस इज 122 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड द वॉल्स आर advertisement yield an earning of 5,000 per meter square per year. Yeah, इस साइड पे जो एडवर्टीजमेंट आप अगर आपको प्लेस करना है तो आपकी कॉस्ट रहेगी 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ओके सो 5,000 पर मीटर स्क्वायर ये पूरे ईयर के लिए है, देखो पर ईयर। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, एक कंपनी ने वॉल की इस पोर्शन को 3 months के लिए हायर किया, हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उसको कितना रेंट जो है पे करना पड़ेगा 3 months के लिए। ओके सो स्टूडेंट सबसे पहले देखो, सबसे पहले साइड्स ऑफ द वॉल्स आर दिस, देन प्लेसमेंट यू विल लर्न इन द दिस कंपनी हायर्ड द वॉल ऑफ द रेंट डिड पे। सो रेंट जो है आपका 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है और हम इसको पर मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब अगर आपने 1 मीटर के इस पोर्शन पे एडवर्टाइजमेंट प्लेस किया है तो यहाँ आपको 5,000 रुपीज देने पड़ेंगे पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, दिस इज फॉर 1 year, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन 1 month, ओके? तो इसको ले सकते हैं एडवर्टाइजमेंट की अर्निंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन 1 month, सो 1 month फाइंड आउट कर लेते हैं। सो बताओ कैसे करेंगे 1 month फाइंड आउट? 5,000 डिवाइडेड बाय 12, ऐसा क्यों किया कि 1 year, तो 12 months का कितना है 5,000, यू नीड टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 1 month, ओनली फॉर 1 month, दैट इज 5,000 अपॉन 12, ओके? सो 5,000 अपॉन 12 इज 1 year का निकाल के उसे 4 से डिवाइड कर दें। बेटा 4 से क्यों डिवाइड करेंगे? मैम फिर 12 मंथ का हो जाएगा 3 मंथ ना। बेटा मैम 1 year का कॉस्ट निकाल के उसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या हुआ सर? ये सर हमने सर वीडियो को लिंक बुलाया है, वहां पर अपन को साइन बोला वीडियो बना नहीं करनी है, ये देखो ये वाला आपने बोला कि आप वन मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि 5,000 अपॉन 12 इनटू 3 कर दे हम, है ना? तो हमारे पास डायरेक्ट 3 मंथ का आ जाएगा, राइट? नो मैम,
यस मैम, उससे निकाल आएगा मैम। हाँ, ऐसे भी आप कर सकते हो। मैम मैम 3 और 12 कट जाएगा। हाँ हाँ मुझे पता है। 4 रह जाएगा। ओके अंशुमन, आप क्या कह रहे थे? मैम मैं ये कह रहा था कि 5000 का पूरा एक साल का निकालते, फिर उसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो 3 मंथ्स का आ जाएगा। यस बिल्कुल सही बात है, बट अंशुमन 5000 ऑलरेडी आपको 1 ईयर का दिया हुआ है। आपकी बात जो आदित्य बोल रहा है ना, वही सेम बात है, दैट इज 5000 इज फॉर 1 ईयर। अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे दैट इज फॉर 1 मंथ, एंड अगर आप 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज फॉर 3 मंथ। ठीक है अंशुमन, ये 5000 रुपीज है ना, ये 1 ईयर का दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो आप। गॉट इट अंशुमन? यस मैम। हां सो डायरेक्ट अगर 3 मंथ का निकालें तो यहां से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं 3 मंथ का। तो ये तो आपके पास कॉस्ट है, कितने मंथ की कॉस्ट है ये? 1 मंथ की कॉस्ट आ गई, तो आप डायरेक्ट 3 मंथ निकाल सकते हैं। फिर ऐसे में करते हो तो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन 3 मंथ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No doubt, ma'am. No doubt? Okay. So this is the cost for 3 months of 1250 rupees per meter square. If we have 1 meter square, then you will charge so much. But how many advertisements do you have to do? What do you have to do? Area. Yes. Area. So, area advertisement, you need SD value. SD value. Size, how many is it? 132 सेंटीमीटर, ये आ गई आपके पास एस डी पे, चेक कर लेना एक बार एडिशन को। 132 सेंटीमीटर नाउ नाउ सी वी नीड टू फाइंड द एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस। एस मींस 132 इनटू 132 माइनस 122 Yes, ma'am. कर लेंगे सारे बच्चे। आप इसे सॉल्व कर लेंगे देखो। 132 में से 122 को आप माइनस करेंगे तो ये जीरो, ये 110 बचेगा, एंड यहाँ पे आपके पास 12 बचेगा। आंसर 1 7 2 4 0 यानी देखो
11 3 2 6 इसके प्राइम फैक्टर की तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया ना देखो इधर कर लेती हूं 132 के मैंने प्राइम फैक्टर किए थे तो मुझे मिला 6 टू द 12 अगेन 6 टू द 12 ठीक है फिर 11 ठीक है सो 132 के जब मैंने फ्रैक्शन किए तो मुझे मिला ये 132 क्या है 11 इनटू 12 है देखो 11 इनटू 12 तो यहां पे अगर मैं 132 को ऐसे लिख 11 इनटू 12 इनटू 10 इनटू 12 इनटू 110 कैसे बनता है 11 इनटू 10 10 ठीक है अब देखो आपके पास क्या क्या बाहर आ सकता है ये 11 एक 11 बाहर आ जाएगा और एक आपके पास 12 बाहर आ रहा है और एक आपके पास 10 बाहर आ रहा है सब कुछ बाहर आ रहा है क्योंकि सबकी पहली आपके पास है तो मैं इसका आंसर करूंगा यहां पे देखो थोड़ा सा बचा स्पेस यहां पे मैंने एरिया इज इक्वल्स टू सो अंडर रूट से बाहर आ रहा सारा क्या क्या है मेरे पास 11 इनटू 12 इनटू 10 सब अंडर रूट से बाहर आ गए क्योंकि पेयरिंग थी देखो 11 इनटू 11 11 का स्क्वायर क्या है 12 इनटू 12 का स्क्वायर क्या है 10 इनटू 10 10 का स्क्वायर तो अंडर रूट क्या सब में तो आपका पास ये कितना एरिया आ गया दैट इज 1320 मीटर स्क्वायर इक्वल टू एरिया आ गया नाउ टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट हमने फाइंड आउट की मुझे 3 मंथ की इतने रुपए स्क्वायर मीटर स्क्वायर सो टोटल मीटर स्क्वायर कितना है ये सो अब आपके पास टोटल कितना कॉस्ट आ गया 1250 इनटू 1320 जो भी आएगा यहां लिख देना और लास्ट में लिख देना प्लीज समझ आ गया बच्चे यस मैम सब बच्चों को समझ आ गया यस मैम यस मैम यस अंशु yes. आपको डाउट तो नहीं है नो मैम और किसी को देखो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है और बेटा अगर आप ये लास्ट में देखो नहीं कर पाओ ये अगर लास्ट में अगर बेटा जाओ तो उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है हाफ मार्क्स कटेंगे अगर आप फाइनल आंसर पे नहीं पहुंचे तो बट अगर आपका डाटा इस तरह फॉर्मूला से या वैल्यू से तो ये माइनस से किया है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे बस हाफ ही कटेगा और ये भी कर दो तो बहुत अच्छा लगता है सो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन था अगर इसको नोट करो स्क्रीनशॉट ले लो मुझे क्वेश्चन भी करना है प्लेस कर दो बच्चों यस मैम यस मैम करना यस मैम सो ये क्वेश्चन था अगर फिर से देखे तो फिर से एक बार फिर से रिपीट कर देगा कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन 1 मंथ इज 5000 का कॉस्ट फॉर 1 ईयर सो वी डिवाइड बाय 12 बट यू नीड टू फाइंड द कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स ओनली सो कॉस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट इन 3 मंथ्स इज 5000 इनटू 12 इनटू 3 सो दिस इज द कॉस्ट फॉर ओनली 3 मंथ पर मीटर स्क्वायर the cost only 1 meter okay 1 meter square now we will find the area so s the area of triangle is this s s minus a s minus b s minus c then 132 132 the main prime factor ki mujhe pata chala 132 is equal to 11 into 12 hoga dekho 11 ki pairing hogi 12 ki pairing hogi 10 ki pairing hogi to yahan se 1 meter but we need to find the total cost then total cost will be area into cost per meter square I am erasing it now. Okay, student. So question number three. Let us see question number three. Question number three is there is a slide in a park. One of its slide wall has painted the same color with the message "Keep the park clean and clean." The sides walls are 15, 11, and 16. Find the painted area painted in the color. So can you do it? Simple question. बहुत सिंपल है. एक ट्रायंगुलर पार्क मतलब एक ट्रायंगुलर बोर्ड है कुछ भी है. उसकी all sides are given. All sides are given. Then you need to find the area only. Simple. हो जाएगा अपना? Yes, ma'am. सारे बच्चे जवाब दो कर लोगे ना क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Put the formula. Yes, ma'am. And find the area of the triangle. Nothing else. Okay? Okay, good. So tick kar lo isko unka. Question number 4 dekhiye. Question number 4. Find the area of triangle. Two sides of which are 18 cm, 10 cm and the perimeter is 42 cm. Jaldi se mujhe batao. What will be the third side of this triangle? 12 cm. Very good. See student,
18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और पैरामीटर क्या होता है ऑल साइड सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स 18 प्लस 10 हो गया आपके पास 28 सो थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए 42 में से आप 28 को माइनस कर देना आपके पास थर्ड साइड आ जाएगी एंड इफ यू हैव ऑल द थ्री साइड्स यू कैन इजीली फाइंड द फार्मूला ऑफ द ट्रायंगल सो कर लो बेटा ये यस मैम सो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 17 25 एंड इट्स पैरामीटर इज 540 तो 6 का क्वेश्चन है 6 का सर में 7th क्लास का क्वेश्चन है 7th ग्रेड का क्वेश्चन है जब हमें रेशियो में देते थे तो हम क्या करते थे उस रेशियो को ऐसे लेट करते थे 12x 17x 25x देन वी विल ऐड ऑल दीस वैल्यूज सी क्वेश्चन नंबर 5 दे देते हैं इजी है बहुत इजी है रेशियो जो है रेशियो ऑफ साइड्स इज 12 रेशियो 17 रेशियो 25 ओके लेट एक कर लेते हैं लेट साइड्स आर तो हो जाएंगे 12x 17x एंड 25 ठीक है सो ये लेट कर लिया हमने रेशियो पार्ट आके तो ये साइड रेशियो ये है तो साइड सी हो गई ठीक है नाउ नाउ लेट साइड्स देखो पैरामीटर सो पैरामीटर आपको गिवन है पैरामीटर अगर आप फाइंड आउट करेंगे सो 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू गिवन है हाउ मच इज पैरामीटर 540 सेंटीमीटर दैट इज द पैरामीटर गिवन ओके नाउ सम ऐड ऑल दी साइड्स 17 प्लस 12 विल गेट 29 29 प्लस 25 दैट इज मैम 54 x इक्वल टू 540 देन x की वैल्यू क्या आ गई बेटा x की वैल्यू आ गई आपके पास 10 ओके यहां तक क्लियर है बेटा सबको यस मैम यू गेट द यस मैम x दैट इज इक्वल टू 10 ओके नाउ साइड्स साइड्स के बारे में आ गई देखो देयरफॉर साइड्स आर 12 into 10, 120 centimeter. 17 into 10, 170 centimeter. And last is 250 centimeter. Now area find out karna hai. Then you will find the value of S. S is equals to 120 plus 170 plus 250 upon 2. So add the value of sabko. Ma'am, wo to pehle given tha 540. किसका स्क्वायर करता है 4 का स्क्वायर करता है
बाहर आ जाएगा, एक फोर भी बाहर आ गया, बचा क्या है आपके पास? नाइन। नाइन भी आप बाहर ले सकते हैं। नाइन का स्क्वायर क्या होता है? नाइन किसका स्क्वायर है? मैम थ्री का। थ्री। तो ये सबको हमने अभी बाहर आ गया, ये 30 to 30, ये 30 बाहर आ गया, 100 to 10 आ गया, फिर 5 to 5, 5 आ गया, फिर 4 का स्क्वायर 2 आ गया, 9 3 का स्क्वायर 3 आ गया। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 300 और मैम 9000। ओके, सो दैट इज 9000 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है ना, समझ आ गया सबको बच्चों? Yes, ma'am. Understood this or not? Ma'am, understood. Yes, understood. So, jaldi se aap isko note kar lo, screenshot le lo, jo bhi aapka mann kare, fir next question start karte hain. Bhai, ye jo question hai na, wo ratio hota hai. Us type se bhi ratio bhi hoga. हमने एट क्लास में भी किया था। आगे हम वॉल्यूमेट सरफेस एरिया में भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ आपको ब्लड लेना है, क्योंकि जब भी ऐसा रेशियो होगा हम रेड कलर पहले सेंटीमीटर से 25 एक्स और आपके उनके पीछे रेड करके यही ट्रिक आपको कर करके रेशियो आना। जब भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मिल गया है स्टेप एक्स से, तो आपको भी उसे रेड करना हो गया। बेटा प्रेस कर दो। यस मैम। मैम ये बी हाइट 1/2 बेस इनटू हाइट से भी निकल सकता है बेटा? 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट से आप नहीं निकल सकते, वो वैलिड है सिर्फ उसकी, मतलब वैसे तो वो ऑल ट्रायंगल्स के लिए वैलिड है, बट आपको यहां पे हाइट गिवन रहेगा तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है,
इसलिए हम उस फॉर्मूले का यूज करते हैं मोस्टली राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि इसमें जो थ्री साइड होती है उसमें एक साइड हमेशा हाइट होती ही है, ये थ्री साइड होती है राइट एंगल की. तो दिस इज व्हाट इज हाइट एंड इज ऑलवेज बेस. सो यहां पे अगर आप अप्लाई करके हमारे 1/2 बेस इन टू हाइट, सो अगर आपके पास थ्री साइड है तो एक ऑब्वियसली बेस है, ऑब्वियसली हाइट है, ठीक है. तो यहां से पूरी इसको प्रूव कर सकते हैं, बट यहां पे हमारे पास हाइट है ही नहीं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? व्हाट इज 1/2 into base into height, no doubt that is valid for all triangle, but आपको यहाँ पे height नहीं दिया तो आप वो formula apply नहीं कर सकते. अगर आपको right angle triangle दिया होगा तो हम वो formula apply कर सकते हैं. But इस chapter में मैं suggest करूँगी कि नहीं, because इस chapter का नाम ही cross formula है, मतलब आपको यही formula use करना है. फिर भी हम देखते हैं second exercise में question मिलेगी right angle triangle, उसमें मैं करेंगे वो. So मुझे समझ आ गया सबको? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, so 12.1 exercise we have completed. So that was very easy exercise. आपको भी easy लगी? Easy लगी बच्चों? Yes ma'am. अब हम करेंगे इसकी second exercise. तो अभी time थोड़ा कम हो जाए. Class को जाके 20 class में से पर मुझे सबके नहीं मिल रहे हैं, बहुत जल्दी तुम्हारी क्लास करने वाली है, एक मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो बच्चे.